और हमारा नारा है जुड़ेगा भारत जी, और हमारे नारे में भारत भी है और इंडिया भी। इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं, किस बात का डर है भाई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं, ये लोग अब इंडिया का नाम बदलने की साजिश कर रहे हैं। नाम जो है, नामकरण जो है, इंडिया रखा गया है और हमारा नारा है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अभी जो राष्ट्रपति की तरफ से जो कार्ड बताया जा रहा है वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, तो वहाँ इन लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब भारत का संविधान अगर आप खोलिएगा, भारत का संविधान अगर अंग्रेजी वर्जन खोलिएगा तो उसमें लिखा होता वी द पीपल ऑफ इंडिया, वही अगर हिंदी में बोलिएगा तो हम भारत के लोग, भारत आता है और हमारे नारे में भारत भी है और इंडिया भी। मतलब जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। बताइए, अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं, किस बात का डर है भाई। वी आर प्राउड टू बी इंडियन, हमें गर्व है कि हम भारत के लोग हैं। और आपको आज इंडिया का नाम लेने में जो है दिक्कत हो रहा है, कहाँ कहाँ से नाम हटाइएगा, कौन कौन पन्ने से नाम हटाइएगा। प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ से। तो आज अब भारत भी जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का तो नारा में ही भारत है। हिंदी में भारत बोलता है लोग, अंग्रेजी में जो है इंडिया बोलता है, और संविधान के पवित्र किताब में इसका मेंशन है। लेकिन किस बात का डर है, कहाँ कहाँ से नाम हटाएंगे तो पता नहीं। तो इन लोगों की विदाई जो है, अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि तय हो चुका है। सभी दल के लोग, हर राज्य के लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोग हैं, सब पार्टी के लोग जो हैं जुटे हुए हैं अपने संविधान को बचाने के, अपने आरक्षण को बचाने के। बताइए, इतना बड़ा आरक्षण है मोदी जी की जो सरकार है कि हर चीज़ प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगा। सरकारी नौकरी में आरक्षण है तो सरकार के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। जब निजीकरण कर दिया जाएगा तो आरक्षण तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से ये लोग जो है, हम सब लोगों को, ये लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत अपना दिखा रहे हैं खुल करके, ये समझने की ज़रूरत है। वोट चाहिए सबका, वोट के नाम पे पिछड़ा का बेटा हो जाएंगे, लेकिन अधिकार देने के लिए प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, संपत्ति को बेच दिया जाएगा, वही चंद लोगों को ही जो है सरकार जो है काम दे रही है। तो इसलिए ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों में भी खास दो चार जो पूंजीपति है, ये सरकार उनकी सरकार है। सब कुछ खत्म करके सब कुछ हथियाना चाहती, सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।